अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अदनान जमील एंड आज के टॉपिक में हम डाटा स्ट्रक्चर के टावर ऑफ हनोई जैसे टॉपिक को लर्न करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बेसिक टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं हम टूवर्ड्स द मेन टॉपिक टावर ऑफ हनोई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न बेसिक रूल्स इन दिस टॉपिक। रूल ये होंगे कि जो नंबर ऑफ डिस्क हैं एक्स वाई जी पर पड़ी, उनमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो लेसर वेट होगा उस पर कभी भी हम हैवी वेट रिप्लेस नहीं कर सकते, जबकि लेसर वेट जो है वो हैवी वेट पर हम रख सकते हैं। सो ये नंबर ऑफ डिस्क हैं, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डिस्क, रोल, कुछ भी। सो तीन डिस्क को सॉल्व करने का जो पैटर्न है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जज करना चाहेंगे कि टोटल कितने स्टेप आ रहे हैं, और ये देखें फॉर्मूला है इसके, जो बेसिक फॉर्मूला है वो n माइनस वन है नंबर ऑफ डिस्क। जो ओरिजिनल नंबर ऑफ डिस्क होंगी उनमें से एक माइनस वन हो जाएगा। सो अगर हम तीन नंबर ऑफ डिस्क के लिए करेंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 देन माइनस वन। सो 7 स्टेप्स के अंदर हम नंबर ऑफ 3 डिस्क को सॉल्व कर लेंगे। सो 4 के लिए जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास 15 स्टेप्स आएंगे, आगे फर्दर 5 के लिए आई थिंक 63 बन जाएंगे। सो चलते हैं टूवर्ड्स द मेन टॉपिक। अब ये देखें, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो मेन एल्गो की तरफ जाना चाहिए हमें। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि हम तीन नंबर ऑफ डिस्क को सॉल्व करेंगे। सो सपोज़ कर लिया हमने 3 ABC, ठीक है जी, और इससे फर्दर जो है वो 3 ब्रांचेज निकलेंगी। हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है, एक बेसिक रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मूव करना A से B, देन A से C और देन बी से सी। ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से बी, इसको हमने लेट कर लिया ए, इसको बी और सी। ए से बी डिस्टेंस के लिए ए से बी, और जो सेंटर में वो सी रह गया वो सेंटर में लिख लिया। बेसिक ये जो कन्वर्ट हो रहा है ए इंटू बी, देन सी जो है जो चीज़ रहेगी उसको हम सेंटर में लिख लेंगे। सो सेकंड इज ए टू सी। हाँ, एक और चीज़ है, 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, और सेकंड इज ए टू सी, इसके लिए हमने डायरेक्ट ही लिख लिया ए से सी, और जो थर्ड ब्रांच होगी उसमें हम करेंगे बी से सी। ये बन गया बी से सी मीन्स 2 B से C, ठीक है जनाब। और यहाँ पे कोमा ए रह गया, और फर्दर इससे हमें 3 ब्रांचेस मिलेंगी 1। अब इसको जो हमने सपोज़ कर लिया A B C, इसको सपोज़ कर लिया हमने A B C, ओरिजिनल नंबर जो है वो ये है, ठीक है जी, और फर्स्ट ए टू बी, ए से बी के लिए हमें ए देन बी और सी देन ए से सी के लिए डायरेक्ट ही हम लिख लेंगे ए से, ये सपोज किया हुआ है मैंने सी, ये चीज़ आ गई। और थर्ड पॉइंट इज बी से सी हमारे पास ये रहा बी से सी, सो सी इंटू ए इंटू बी,
सो थर्ड स्टेप इज़ ए से सी, ये वैसे ही चलता रहेगा। वन ए से वी, ए से बी, बी इंटू सी इंटू ए। सेकेंड वन इज ए टू सी, ए टू सी, एंड थर्ड वन इज वन इंटू बी से सी, बी से सी। सो ए बी एंड सी। सो इसके जो जितने भी सेवन स्टेप की बात हुई है ना, ऊपर सेवन स्टेप्स आएंगे इसमें, अब काउंट कर लेने। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि तीन से हमने स्टार्ट किया और हमने हमेशा जाना है वन तक, नंबर ऑफ वन डिस तक हमने पहुंचना होता है, चाहे हम नंबर ऑफ डिस सेवन से स्टार्ट करें, लेकिन जो लास्ट स्टेप होगा वो वन में कन्वर्ट होगा। सो अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। पहला स्टेप ए से सी, इधर लिख लिया हमने ए से सी। सेकंड वन इज ए से बी, थर्ड वन इज सी से बी, फोर्थ वन इज ए से सी, और फिफ्थ स्टेप जो है वो है बी से ए, और सेकंड इज बी से सी, और लास्ट वन इज ए से सी। तो हम काउंट कर सकते हैं, ये सात स्टेप बनेंगे टोटल, जैसा कि हमने ऊपर प्रूफ किया था फॉर्मूले के थ्रू के इसको इन डिस्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टोटल स्टेप्स आएंगे वो सात मिलेंगे हमें। ये देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। सो दिस इज़ आवर टॉपिक जो कि हम ख़त्म कर चुके हैं। सो आपकी आसानी के लिए हम इसको इन स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये रहा एक्स टर्मिनल, ये रहा वाई टर्मिनल, और ये रहा जी टर्मिनल। ठीक है जी, जितने भी वेट्स हैं वो इस टाइम जो है फर्स्ट पॉइंट पे पड़े हैं। जो करते हैं पहला स्टेप, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप है ए से सी, जो एक्स टर्मिनल पे जो पॉइंट पड़ा है उसको हमने, जो एक्स टर्मिनल पे सॉरी जो वेट पड़ा है उसको हम जी पे लेके जाएंगे फर्स्ट। यही स्टेप बनता है ना, ए से सी, ए से सी। ये स्मॉलर वेट था जो, और सेकंड स्टेप जो होगा, सेकंड स्टेप में हमने ए से बी मूव कराना है। ए से बी, तो वाई टर्मिनल पे हमारे पास जो है वो जनाब ये वाला वेट जो है वो वाई टर्मिनल पे आ जाएगा। देन थर्ड वन इज सी टू बी, ये सी टू बी, फोर्थ वन इज ए टू सी,
इस टाइम जो सबसे हैवी वेट है वो जी टर्मिनल पर चला गया है। देन बी टू ए, जो बी पर पड़ा है हाँ उसको हम ए पर मूव कर देंगे। और यहाँ पर ये चीज़ एंड सेकंड लास्ट स्टेप इज बी से सी मूव करना है। जो बी पॉइंट पर पड़ा है आई मीन टू से वाई पे जो पड़ा है उसको हमने जी पे शिफ्ट कर देना है। एंड द लास्ट वन इज ए टू सी मूव करना है। ये जो ए पे सबसे लेसर वेट है अब आप इमेजिन कर सकते हैं, बल्कि दिस इज ये प्रूफ हो चुका है कि लेसर वेट हमेशा जो है हैवी वेट पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये रहा एक्स टर्मिनल जो कि इस टाइम एम्प्टी है, वाई टर्मिनल भी इस टाइम एम्प्टी है, एंड जी पे हम तीनों मैसेज जो हैं तीनों वेट्स हम मूव करवा चुके हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। मैं इतनी इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं और सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया और सिंपल दो तीन रूल्स हैं उनको बस अपने माइंड में हमेशा के लिए बिठा लें। और आई थिंक ये एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो आपके लिए आसानी पैदा कर सकती है। सो